हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और आज के वीडियो में हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इसी बीमारी के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको इस बीमारी से रिलेटेड काफी डिटेल नॉलेज दी थी। अभी मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके इसके डायरेक्टली ट्रीटमेंट क्या है और आपको करना क्या है उस बारे में बात करूंगी। बीमारी क्या है पहले से दोबारा थोड़ा सा समझ लीजिए। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसका मतलब है किसी व्यक्ति को यदि यूरिन पास करने की इच्छा बहुत ज्यादा जल्दी होती है, मतलब अगर आपको यूरिन पास करने की इच्छा हुई, आपको ऐसा लगा कि आपको यूरिन का प्रेशर आ रहा है और अब आप उसको कंट्रोल करने में असमर्थ हो, आपको मीटिंग कर रहे थे, आप मीटिंग में थे, आप बस में थे, आप ट्रेवल कर रहे हो या कहीं भी ऐसी कंडीशन में जहां यूरिन पास नहीं कर सकते, लेकिन आपको यूरिन का प्रेशर आ गया, अब उसे कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तब आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। या फिर अगर आप यूरिन पास करने के लिए जाते हो और उसके बाद में आपको ऐसा महसूस होता है कि ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, बूंद बूंद करके यूरिन पास होती रहती है, आपके अंडर गार्मेंट में यूरिन के धब्बे लग जाते हैं और आपका पैंट वगैरह है वो भी कई बार गीला महसूस होता है, ये भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है। क्यों होता है, किस वजह से होता है, वो सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और फर्स्ट कमेंट में भी उसकी मैं लिंक आपको डाल दूंगी और यहाँ ऊपर आई बटन में भी उसको कनेक्ट कर दूंगी। तो अगर आप चाहें तो पहले वो पुराना वीडियो देख लीजिए, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, अदरवाइज ट्रीटमेंट आपको आधा अधूरा समझ में आएगा और जब भी हम आधी अधूरी चीजें समझते हैं तो वो फायदा करने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा देती है। कहते हैं ना, बंदर के हाथ में अस्तुरा। अगर कोई व्यक्ति बिना बीमारी को समझे केवल ट्रीटमेंट फॉलो करता है तो वो वही चीज हो जाती है कि बंदर के हाथ में अस्तुरा है, तो फिर वो कहीं भी लग सकता है, हो सकता है बैकफायर कर जाए आपको। तो प्लीज पुराना वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं, ठीक है। पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल वीकनेस को दूर करना। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, समझ जाइए, जनरल वीकनेस को दूर करना। जनरल वीकनेस का मतलब क्या है, देखिए, अगर आपके शरीर में एचबी कम है, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन, मैं बार बार अपनी हर बीमारी में हीमोग्लोबिन के ऊपर विशेष फोकस करती हूँ, विश्वास मानिए हीमोग्लोबिन की कमी आपकी 60-70% बीमारियों का मूल कारण होती है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, ठीक है, आयरन का परसेंटेज कम है, तो डेफिनेटली आपकी जनरल इम्यूनिटी कमजोर होगी, मसल वीकनेस आपको डेवलप होगी और भी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही आपके शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। यदि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पूरा प्रोसीजर है वो ढंग से नहीं होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपकी मसल वीकनेस होनी ही होनी है। तो फर्स्ट थिंग जनरल वीकनेस में हीमोग्लोबिन। सेकेंड, उसके बाद दूसरे आते हैं बाकी के मिनरल्स। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहा है जिसमें वो जंक फूड बहुत ज्यादा ले रहा है, खाने में जंक फूड बहुत ज्यादा है, मिनरल्स की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल प्लस विटामिन दोनों कर देते हैं इसको, अगर आपके शरीर में सभी मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, विटामिन, सभी विटामिन, कोई पर्टिकुलर एक विटामिन से काम नहीं बनने वाला, कई लोग सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर बीमारी में से एक विटामिन का ज्यादा रोल है, हो सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर विटामिन का ज्यादा रोल हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए सभी विटामिन सभी मिनरल्स का एक एप्रोप्रिएट रेशियो का मेंटेन होना जरूरी है। तो अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स और विटामिन की कमी है तब आपको ऑब्वियसली जनरल वीकनेस आएगी और जनरल वीकनेस आएगी तो मसल वीकनेस आएगी, मसल वीकनेस होगी तो आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फर्स्ट थिंग तो अपनी जनरल हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिए, जनरल वीकनेस नहीं आनी चाहिए। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी दो प्रकार की होती है, लास्ट वीडियो में भी इसको मैंने थोड़ा सा क्लियर किया था, यहां भी मैं आपको क्लियर कर रही हूं। देखिए, अगर आप ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करते हो तब आपकी मसल स्टेमिना ऑटोमेटिकली कम होना है,
कोई व्यक्ति, आप खुद सोचिए, अगर आप हाथ की एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो अगर आपको इस हाथ से एकदम से 1 किलो 2 किलो वजन उठाना पड़े तो आपकी मसल्स ये नहीं उठा पाएंगी। वहीं कोई व्यक्ति रेगुलर डंबल उठा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके हाथ में इतनी ताकत है शायद वो 5 किलो 10 किलो का भी वजन ऐसे उठा ले, उसको कोई ना ही क्रैम्प आए ना ही कोई दिक्कत आए। ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपकी मसल वीकनेस होने वाली है। एक्सरसाइज में ध्यान रखिए, एक्सरसाइज हमेशा व्यक्ति की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अभी तक कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे और फिर आप अचानक से जिम जाना चालू कर दो, एक हैवी वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज चालू कर दो, अचानक से 3-4 किलोमीटर की जॉगिंग चालू कर दो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि आपकी मसल्स पहले इतनी स्ट्रांग नहीं थी, आपने अचानक से एकदम से बहुत ज्यादा वर्क उनके ऊपर बढ़ा दिया, तब ऐसी कंडीशन में मसल्स स्ट्रेंथ आने की बजाय उल्टा मसल डैमेज हो जाता है। तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सरसाइज ग्रेजुअली बढ़ती है। आप पहली से 12वीं क्लास तक एक एक स्टेप करके जाते हो। अगर आप सोचो दूसरी क्लास का बच्चा है, अगले दिन उसको 12वीं के एग्जाम में बैठा दे, तो वो बच्चा फेल हो जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर में आ जाएगा। तो पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इसी प्रकार से धीरे धीरे व्यक्ति पहली से 12वीं क्लास में पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार से एक्सरसाइज का फिनोमेना है। अगर आपको मसल वीकनेस है तो आपको धीरे 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 एक्सरसाइज की मात्रा को बढ़ाना है। एक्सरसाइज करते समय एक्सरसाइज के ऊपर भी ध्यान देना होता है, मसल के रिलैक्सेशन के ऊपर भी ध्यान देना होता है, और मसल्स के रेस्ट के ऊपर और रिकवरी के ऊपर भी ध्यान देना होता है। ये तीनों पॉइंट जरूरी होते हैं, केवल अकेला एक्सरसाइज से काम नहीं होगा। दूसरा होता है स्पेसिफिक एक्सरसाइज। अगर आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में कीगल एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार पढ़ाया हुआ है। कीगल एक्सरसाइज ये बेस्ट होती है। कीगल एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। देखिए, लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, ये हो गया आपका ब्लैडर, ठीक है, ये हो गया आपका नीचे यूरेथ्रा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, कमेंट मत करने लगना कि ऐसा नहीं होता है, आप गलत पढ़ा रहे हो, समझाने के लिए पढ़ा रहे हो। ठीक है, ये हो गया ब्लैडर, ये हो गया यूरेथ्रा। ये ब्लैडर के ऊपर बहुत सारे एब्डोमिनल ऑर्गन होंगे बाकी के सारे, और यहाँ पे मसल्स होती है, मसल्स एंड लिगामेंट एंड टेंडन होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो यूरेथ्रा है, फीमेल के अंदर यूरेथ्रा छोटा होता है, मेल के अंदर यूरेथ्रा बड़ा होता है। यहां पे होती है पेल्विक फ्लोर की मसल्स। ठीक है, ये पेल्विक फ्लोर की मसल आपके ब्लैडर और यूरेथ्रा को मेंटेन रखने का काम करती है, अपनी सही जगह पर उसको बनाए रखने का काम करती है। कीगल एक्सरसाइज का मतलब होता है वैसी एक्सरसाइज करना जो कि स्पेशली इस पेल्विक फ्लोर को स्ट्रांग करती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पेल्विक फ्लोर को बार बार टाइट करना है और बार बार ढीला करना है। टाइट करिए, 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए, फिर उसको ढीला कर दीजिए, फिर टाइट करिए ये पेल्विक फ्लोर की मसल्स को। कैसे करेंगे आप ये वीडियो देखते देखते खुद में ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने पेशाब और लैट्रिन की जो रास्ता है उसको ऊपर की ओर खींचना है, मसल्स को टाइट करना है, पेट की मसल्स को और नीचे जो आपकी मसल्स हैं इनको टाइट कर देना है एकदम से। टाइट करिए, 10 सेकंड तक होल्ड करिए, उसके बाद रिलीज कर दीजिए। ठीक है, फिर गहरी सांस लीजिए, फिर उसको टाइट करिए, 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए, फिर उसको छोड़ दीजिए। ये एक्सरसाइज कहलाती है कीगल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप 24 घंटे कभी भी कर सकते हो, कोई खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, लेटे हुए, खड़े हुए, बैठे हुए से कोई फर्क नहीं पड़ता। कीगल एक्सरसाइज बार बार की जा सकती है, एक बार में कम से कम 20 से लेकर 30 राउंड करने चाहिए और हर बार 10 सेकंड के लिए मसल्स होल्ड करने का प्रयास करना चाहिए। ये होती है कीगल एक्सरसाइज। ये स्पेसिफिकली एक्सरसाइज होती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम के लिए। ये एक्सरसाइज इंटरनल एक्सरसाइज है, ऊपर से कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ एक्सरसाइज हो रही है। इंटरनली आपको दोनों साइड के ये जो पेल्विक फ्लोर है इनको टाइट करना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद छोड़ देना है, फिर गहरी सांस लेनी है, फिर 10 सेकंड के लिए टाइट करना है, फिर छोड़ देना है। ये होती है कीगल एक्सरसाइज। ये स्पेसिफिकली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम या फिर यूरिनरी ब्लैडर की मसल वीकनेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसमें काम आती है। ठीक है, तो ये आपको दूसरी एक्सरसाइज करना है। तीसरा, इस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको बार बार यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर आपको पेशाब के रास्ते
बार बार अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। कौन से इन्फेक्शन? पेशाब में जलन होना, पेशाब में खुजली होना, फंगल इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होना, बार बार स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तब आपको इन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ब्लैडर को बार बार कमजोर कर रहे हैं उसके कारण आपको बाद में कुछ सालों के बाद में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको बार बार यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होता है, तो प्लीज डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें, समझें कि क्यों बार बार हो रहा है, उसे ठीक करने का प्रयास करें। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है यानी कि HTN हाइपरटेंशन, ठीक है, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर के कारण आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम बाद में डेवलप हो जाएगी। तो ये जो टर्म है जिसको काफी सारे मॉडर्न के लोग यूज करने लगते हैं कि हम टैबलेट लेते हैं हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, वो केवल अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो टैबलेट से कंट्रोल है, टैबलेट से आपकी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो कुछ समय के बाद आपकी प्रॉब्लम डेवलप होने वाली है, तो इसका मतलब है आपको रेगुलर एक्सरसाइज और ब्लड प्रेशर को ठीक करने के जितने भी फैक्टर होते हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कई लोग ये बेवकूफी करते हैं, सोचते हैं हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, स्ट्रेस लेना कम नहीं करते हैं, गुस्सा करना कम नहीं करते हैं, वर्कलोड कम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, और फिर बोलते हैं हमको ये भी प्रॉब्लम आ गई। वो आएगी ही आएगी। तीसरा है इसके बाद में, वो है डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, शक्कर की बीमारी। अगर आपको डायबिटीज है तब आपको न्यूरोपैथी यानी कि नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने ही वाली हैं। पहली प्रॉब्लम जो फर्स्ट डेवलप होती है वो यही होती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। उसके बाद में बाकी सारी धीरे धीरे नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम चालू होती है। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी बीमारी है, यूटीआई हो रखा है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो तीनों को ही स्पेसिफिकली डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत है। किस कारण से बार बार आपको बीमारी हो रही है, अगर यूटीआई बार बार हो रहा है तो उसको ट्रीट करवाइए, यदि आपको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो उसको समझिए और स्ट्रेस लेवल को कम करिए, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दीजिए, और भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के जितने भी फैक्टर होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम करिए और अपनी लाइफ स्टाइल सुधारिए। तो अगर आप ये तीनों काम कर लेंगे, जनरल वीकनेस के ऊपर ध्यान देंगे, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देंगे और ये सारी जो प्रॉब्लम है इसको कंट्रोल करके रखेंगे, तब आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा स्पेसिफिक दवाइयां भी लेनी पड़ सकती हैं, स्टार्टिंग के लिए 2-3 महीने का ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है, उसके लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दवाइयां बताने से कई बार फायदा होने की बजाय नुकसान ज्यादा होता है। मैंने पहले के वीडियोज में काफी दवाइयां लोगों को बता रखी है, लेकिन उससे ये होता है कि लोग उसको गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, समझते नहीं है प्रॉपर, केवल दवाइयों का यूज कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें को फॉलो नहीं करते हैं, तो फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं दवाइयां यहां नहीं बता रही हूं। दवाइयों के लिए आपके शहर में जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनसे कॉन्टेक्ट करें, मिलिए उनसे, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन ये जो बाकी के सारे फैक्टर हैं प्लीज उसको ध्यान रखिए। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये चैनल एक्टिवेट रहेगा कंटिन्यूअसली, इस पे वीडियो आएंगे। इस साल, पिछले साल मैंने बहुत लापरवाही करी है, इस साल मैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ आप लोगों को सभी बीमारियों के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी। दूसरा जो चैनल है जय आयुर्वेद, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उस पर प्रॉपर एक कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ और उससे रिलेटेड वीडियो अगले इस हफ्ते के अंदर चालू हो जाएंगे, जिसमें मैं आपको वात पित्त कफ सप्त धातुएं, त्रिदोष सिस्टम और हमारे त्रिदंड सिस्टम जो है, दोष धातु संमूर्छना क्या होती है, और भी आयुर्वेद की जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में समझाऊंगी। मतलब आयुर्वेद के जितने भी कोर्स है वहां पर चलेंगे। तो जय आयुर्वेद चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।